नमस्कार दोस्तों, दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल दक्षिण चीन सागर में मौजूद है, जिसका नाम ड्रैगन होल रखा गया, जिसे 2016 में खोजा गया था, जिसकी गहराई 980 फीट बताई गई। तो वहीं अब एक और ब्लू होल मिला है, जिसे दूसरा बड़ा होल कहा जा रहा है, यानी ब्लू होल कहा जा रहा है, जिस पर रिसर्चर्स का कहना है कि इस ब्लू होल से पृथ्वी के इतिहास और दूसरे ग्रहों पर जीवन कैसे आया होगा की कड़ी के बारे में पता लग सकता है। दरअसल मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर खोजा गया है। यह गुफा चैतमल खाड़ी में पानी के नीचे करीब 900 फीट की गहराई पर है, जो 147,000 वर्ग फुट इलाके में फैली है। इस खोज से जुड़े शोध को फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है। तो आइए बताएं कि क्या होते हैं ब्लू होल्स। दरअसल ब्लू होल समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें आप बड़ी खड़ी गुफाओं के रूप में भी समझ सकते हैं और ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें कई समुद्री जीव जैसे कि कोरल, जैसे कि शार्क, समुद्री कछुए और पौधे भी मौजूद होते हैं। ब्लू होल अपने आप ही बनते हैं। एक तरह से जब समुद्र का पानी चूना पत्थर से मिलता है, पत्थर की प्रवृत्ति झरझरी होने के कारण से पानी इस चट्टान में प्रवेश कर जाता है और पानी में मौजूद रसायन चूना पत्थर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि तटीय क्षेत्र में बार बार आने वाली बाढ़ और ड्रेनिंग से चट्टान नष्ट हुई होगी और खाली जगह बन गई होगी, और इस तरह दुनिया के कई ब्लू होल पिछले हिमयुगों के दौरान बने होंगे। आपको बता दें कि इन ब्लू होल के अंदर जाना इतना आसान नहीं होता। पहली बात तो बहुत गहराई में होते हैं ये ब्लू होल, तो इस वजह से ऑक्सीजन बहुत कम होती है और सूरज की रोशनी केवल सतह तक ही पहुंचती है। यही वजह है कि यहाँ पहुंचना खतरे से खाली नहीं होता। साल 2012 में शोधकर्ताओं ने बहामास के ब्लू होल में जब तहकीकात की तो पाया कि उन गुफाओं की गहराई में बैक्टीरिया पाए गए, जहाँ कोई और जीवन न था। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के खुलासे से ये बात साफ हो सकेगी कि आखिर हमारे सौरमंडल में कठिन वातावरण में किस तरह का जीवन हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हजारों साल पहले जीवन कैसे था या कैसे आया होगा, ब्लू होल इसका एक स्नैपशॉट दे सकते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन और रोशनी के बिना जीवाश्म अच्छी तरह से संरक्षित रह सकते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को विलुप्त प्रजातियों के अवशेषों की पहचान करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये था दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल, जो मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप पर खोजा गया है। फिलहाल जीवन कैसे आया होगा की तलाश में वैज्ञानिकों की खोज लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और खबर और रिसर्च के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड और हमारे चैनल शोध से। नमस्कार।